আবারও ভাঙন গেরুয়া শিবিরে, এবারে কালচিনি ব্লক। কালচিনি ব্লকে তৃণমূল সভাপতি পাশাং লামার হাত ধরে 200 জন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন আজ। আপনাদের মালুম হ্যায় হামারে সুশীল মমতা ব্যানার্জি কি কাম, অভিষেক ব্যানার্জি কা কাম, হর কোই পছন্দ করকে আবি বিজেপি কো ছোড়নে মে হোড় লাগা হুয়া হ্যায়। বিজেপি কো ছোড় কে তৃণমূল মে জিস তরহ সে আ রাহা হ্যায়, ইনশাআল্লাহ ভগবান কা আশীর্বাদ, অভিষেক ব্যানার্জি কা কাম, মমতা দি কা আশীর্বাদ। ভবিষ্যৎ মে কালচিনি ব্লক মে হাম লোক বিজেপি মুক্ত কালচিনি ব্লক বনায়েঙ্গে, ইসকে লিয়ে হাম লোক অগ্রসর হো রহে হ্যায়। আজ কাহাঁ কে লোক জয়নিং কি? আজ जो बिसल के खास जो एमएलए विधायक बिसल के जो खास समर्थक थे उनके ही टीम सब कोई छोड़ के आज हम लोग साथ में आए हैं। आशा करते हैं आगामी दिन बिसल भी शायद टीएमसी में आए। कितने लोग ज्वाइनिंग किया आज? लगभग 200 के करीब लोग ज्वाइनिंग किए हैं। आशा करते हैं और भी बहुत से जो पंचायत मेंबर समिति मेंबर हम लोग का लाइन में खड़ा है, ये ऊपर से अभी तक निर्देश नहीं मिला है। ऊपर से निर्देश है जब तक छह महीने के बाद ही कोई भी समिति मेंबर हो, पंचायत मेंबर हो, जिला परिषद मेंबर उनको हम लोग लेंगे। अभी फिलहाल समिति मेंबर और पंचायत मेंबर का होल्ड लगा हुआ है, लेकिन हमारे हाई कमांड के निर्देश अनुसार मेरा कल भी अभिषेक बनर्जी ऑफिस में बात हुआ, कल भी मेरा बात हुआ, वहां से बोला है कि अभी कोई फिलहाल बीजेपी का पंचायत बाद समिति मेंबर को ज्वाइनिंग नहीं ले सकते, जिला परिषद नहीं लेना है, अभी खाली कार्यकर्ता का। तो कार्यकर्ता का हम लोग लिए हैं, तो आगामी दिन आशा करेंगे कि निश्चय इन लोग हम बातचीत कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं बीजेपी में कोई भी ऐसे अच्छा आदमी ना रहे जो हमारे माने बीजेपी में ऐसे कोई भी आदमी ना रहा जो समाज के लिए अच्छा काम करते। तो सब मैं सबको वेलकम टीएमसी में, और जो मैंने हमसे टीएमसी से धोखा करके गए हैं उनके लिए भी मैं बातचीत कर रहा हूं। भविष्य में अगर हाई कमांड को मैं समझाया हूं, बुझाया हूं, देखिए अगर भविष्य में जो गद्दार लोग था अगर वो पछताव करके आना चाह रहे उनको वेलकम किया बोले, लेकिन अभी फिलहाल ऊपर से बोला है 6 महीना तक के लिए उनका बात ही मत करो, 6 महीने बाद ही बात होगा। तो भी मेरा इच्छा है कि कालचिनी ब्लॉक में एक भी ऐसे कोई कार्यकर्ता ना रहे जो बीजेपी का झंडा टांग सके। आशा।